हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि आधार पीवीसी कैसे ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन आधार की साइट से। सबसे पहले गूगल सर्च में आएंगे, आधार पीवीसी सर्च करेंगे, पहले लिंक को ओपन करेंगे, उसके बाद आधार की साइट पे आ जाएंगे और यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे जिसका हमें पीवीसी ऑर्डर करना है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में हम फिल करेंगे कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद अगर हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पे टिक करेंगे और यहाँ जो मोबाइल नंबर हमारा चल रहा है वो नंबर फिल करेंगे और सेंड ओटीपी कर देंगे। कैप्चा दोबारा फिल करेंगे तो अगर रजिस्टर्ड नहीं है नंबर तो नया नंबर डालेंगे हम और उसी पे ओटीपी आ जाएगा। जो नंबर हमने फिल किया उस पर ओटीपी आ गया। ओटीपी डालने के बाद हम टर्म एंड कंडीशन को टिक करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके। तो ये पेमेंट गेटवे वाले पेज पे आ गए। अब हम अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसमें एक ही मेथड है पे यू से, तो मेक पेमेंट पे जाएंगे। इसमें आपको UPI, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे इजी है जैसे UPI, तो जो भी आपके पास ऐप है वो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं फ़ोन पे है तो मैं फ़ोन पे यूज़ कर लेता हूँ। इसमें अपना UPI आईडी नंबर डालेंगे। इसकी 50 रुपये फ़ीस कटेगी हमारे अकाउंट से और PVC जो कार्ड है वो आपके बाई पोस्ट एड्रेस पे आ जाएगा। तो यहाँ हम अपना UPI आईडी अपने फ़ोन पे खोलेंगे तो उसमें अपना UPI आईडी शो कर देगा हमारे को, तो वो UPI आईडी हम अपना फिल करेंगे यहाँ पे। UPI आईडी फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे तो आपका नाम आ जाएगा नीचे, पे कर देंगे। तो मेरे पास फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, मैंने वहाँ से पे कर दिया है, पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ गया ऊपर। कैप्चा फिल करेंगे, जब UPI आईडी डालेंगे वेरीफाई करेंगे उसके बाद पेमेंट का एक हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से हम UPI आईडी फिल करके पे कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो स्लिप है वो डाउनलोड हो गया है।